हेलो दोस्तों क्वेश्चन है विच इज़ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स डील्स विद द मोशन विदाउट कंसिडरिंग इज कॉज बच्चों देखो फिजिक्स की दो ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं एक डायनेमिक्स पढ़ते हैं और एक काइनामेटिक्स पढ़ते हैं काइनामेटिक्स में बेटा हम लोग मोशन को पढ़ते हैं विदाउट इसके कॉज को जाने जिसमें हमारा कानामेटिक्स वन डी टू डी मोशन ना प्लेन आता है चैप्टर जी हाँ बच्चों मोशन विदाउट कॉज पढ़ते हैं हम कानामेटिक्स में और डायनेमिक्स में जिसमें लॉज ऑफ मोशन वर्क मंजिन पावर इन सब में जिसमें हम मोशन का कॉज जानते हैं बेसिकली मोशन का कॉज हम लोग जाने तो फोर्स होता है डायनेमिक्स इज अ ब्रांच जिसमें हम लोग कॉज पढ़ते हैं और विदाउट नोइंग द कॉज पूछ रहा है इसका मतलब हमें मतलब है काइनामेटिक्स से तो वो कौन सी ब्रांच हो गई द ऑप्शन विल बी सी दैट इज नोन एज काइनामेटिक्स मोर अमेजिंग एमसीक्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें चैनल को विजिट करें ढेरों आपको MCQs, Formula और कंसर्ट्स मिलेंगे थैंक यू हेलो दोस्तों क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पहला है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस जी नहीं बच्चों डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है कोई जरूरी नहीं है ज्यादा हो जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इक्वल होगी अगर कर्व्ड पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो पहला रॉन्ग हो गया दूसरा डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी बिल्कुल नहीं बेटा एक्सलेशन जब बॉडी रिटार्ड करती है तो बॉडी जिधर मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन लगती है दूसरा भी गलत है डिस्प्लेसमेंट मस्ट नॉट बी एबल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगी तो मस्ट नॉट बोला है इसने तो ये भी गलत हो गया तो इसमें से सारे ऑप्शन आपके गलत हैं इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस तो आंसर विल बी डी थैंक यू दोस्तों मोर अमेजिंग एमसीड सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर करें थैंक यू हेलो दोस्तों क्वेश्चन है मैन गोज 12 मीटर नॉर्थ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट द डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो हमें पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये होता है प्लस आई ये होता है माइनस आई यस बच्चों प्लस जे माइनस जे तो क्वेश्चन किधर गया 12 मीटर नॉर्थ मतलब 12 जे स फाइव मीटर इज मतलब फाइव आई एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा थर्टीन मीटर दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट मोर अमेजिंग चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर करें थैंक यू दोस्तों हेलो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पहला डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ ऑरिजन ऑफ द एक्सेस जी हाँ बच्चों ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है एक्जैक्टली इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है ओरिजिन से कोई इसका लेना देना नहीं है तो पहला सही है डिस्प्लेसमेंट मे बी मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्वियसली है बेटा

पहले वो पहले पांच आगे चलता है तीन पीछे चलता है मतलब वो आठ स्टेप चलने पे वो केवल दो मीटर चल पाता है जी हाँ बच्चों दो दो कर करके वो देखो दो मीटर प्लस दो मीटर प्लस दो मीटर मतलब ये हमारा हो गया एट इंटू थ्री चौबीस स्टेप चलने के बाद वो चल पाएगा छः मीटर जी हाँ बच्चों उसके बाद जैसे ही वो आगे देखो बच्चों पांच जाके जब पीछे आएगा तो जैसे ही पांच आगे जाएगा छह के बाद पांच जैसे ही आगे जाएगा वो ग्यारह मीटर पर पहुंच जाएगा और गड्ढे में गिर जाएगा तो चौबीस प्लस सेकंड लगेगा उसको गड्ढे में गिरने में तो बी ऑप्शन विल क्वेश्चन है जरूर समझे इसको कि कैसे हमने किया है थैंक यू दोस्तों दोस्तों को शेयर करता है डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो डिस्टेंस ऑलवेज जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अगर आप डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो वैल्यू डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके इक्वल होगा तो ग्रेटर देन वन आएगा जी हां बच्चों तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इक्वल टू और मोर देन वन दिस इज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज देयर जी हां बच्चों तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट मोर अमेजिंग एमसीक्यूज कंसेप्ट के लिए चैनल विजिट करें अपने दोस्तों को शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू हेलो दोस्तों क्वेश्चन में हमें एक्सलेशन गिवन है जी हाँ बच्चों और हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए हमें पता है बच्चों कि अगर हमें एक बार इंटीग्रेट करेंगे ए को तो हमें मिलेगी वेलोसिटी और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को तो हमें मिल जाएगा एक्सलरेशन तो बच्चा एक्सलेशन की इक्वेशन है माइनस एस स्क्गा स्क्वायर साइन ओमेगा टी dt तो इसको हमें दो बार इंटीग्रेट करेंगे और जब हम इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे मित्रों तो इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलेगा एस साइन ओमेगा टी आप इंटीग्रेट कर लें ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बच्चों यहां पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते बट द आंसर विल बी एस साइन ओमेगा टी दैट इज ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस मोर अमेजिंग एमसीक्यूज चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर करें

ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय जी हाँ बच्चों वीटी कर्व का मतलब हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया डायमेंशनली उन दोनों एक्सेस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है डायमेंशनली मतलब v इंटू टी वेस्टी इंटू टाइम जो होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स या डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा वीटी ग्राफ का एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और अगर वी टी ग्राफ के स्लोप की बात करें तो वर्टिकल एक्सेस अपॉन ऑरिजेंटल एक्सेस

इसमें बेटा थीटा पॉजिटिव है टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इसमें आप देखो तो थीटा नेगेटिव है टेन थीटा नेगेटिव होगा इसलिए इसकी नेगेटिव होगी वेलोसिटी तो आंसर आपका बी विल बी करेक्ट आंसर जी हाँ बच्चों बी आपका एक्यूरेटली हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जी हाँ इसमें क्या है बच्चों एक्स कांस्टेंट है टाइम के हिसाब से मतलब इसमें वेलोसिटी जीरो होगी इसमें बच्चे जो हमारा एंगल है थीटा बढ़ता जा रहा है मतलब वेलोसिटी इसमें इंक्रीजिंग होगी तो नेगेटिव वेलोसिटी बी में होगी मोर अमेजिंग के लिए चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें थैंक यू